शिवपुरी जिले के माधव चौक स्थित चाबी घर पर आज मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन ने चाबी घर पर आंदोलन किया। वहीं विशाल आंदोलन के लिए कल ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। वहीं शिवपुरी से 3 दर्जन लोग ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। वहीं ग्वालियर में यह संभाग लेवल पर प्रदर्शन कल ग्वालियर में होगा। शिव कुमार पटेरिया रिटायर्ड इंजीनियर विद्युत मंडल जिला शिवपुरी ने बताया कि एसके जायसवाल प्रांतीय उपाध्यक्ष विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन के निर्देशन में कल ग्वालियर में एक विशाल आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें ग्वालियर संभाग से सभी जिलों लोग एकत्रित होकर भाग लेंगे। वहीं उनकी मुख्य मांग है कि वृद्धजनों को 22% महंगाई राहत दी जा रही है, वहीं राज्य सरकार की 28% है और केंद्र में 38% देना चाहिए, उसकी भी मांग उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 24 नवंबर 2022 को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वर्तमान में सरकार ने जो हमारी मांग रोक रखी है उसका पूर्णतः विरोध करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। शिवपुरी से मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, आप किस संगठन से और क्या मांगे हैं आपकी? मैं शिव कुमार पटेलिया रिटायर्ड इंजीनियर MPB से हूँ। हमारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर ग्रुप में मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एज ए प्रवक्ता के तौर पर आपसे वचन दे रहा हूँ कि दिनांक 14 नवंबर 2022 को हमारे संभागीय स्तर पर ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन है अपनी मांगों के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें श्री एस के जायसवाल जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं विद्युत पेंशनर ग्रुप के, उनके निर्देशन में वहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे ग्वालियर संभाग से जितने भी हैं दतिया शिवपुरी श्योपुर मुरैना भिंड सभी जगह से कार्यकर्ता जाएंगे अपना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार हमारा महंगाई राहत जो विद्युत पेंशनर को अभी शासन ने और विद्युत कंपनी ने रोक रखी है, जिसमें हमें मात्र 22% दी जा रही है जबकि राज्य शासन में 28% दी जा रही है और जबकि केंद्र में 38% मिलना चाहिए। हम तो उसकी भी मांग करते हैं कि हम न्याय के तौर पर हम उसके भी अधिकारी हैं लेने को, लेकिन विद्युत कंपनी एवं मध्य प्रदेश शासन की हरधर्मी के कारण हम लोग वृद्ध पेंशनर एक एक मांग के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा हमारी कई मांगे अभी पेंडिंग है जो केवल आश्वासनों पर निर्भर हैं और हम लोग उसी से जी रहे हैं। हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है, हम किसी भी स्तर पर अपनी मांग मंगवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हर स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। आगामी 24 नवंबर 2022 को भोपाल में प्रांतीय स्तर पर हमारा बहुत बड़ा आयोजन है और उसमें मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्य शासन कंपनी सभी को ज्ञापन देना है एवं वहां पर विशाल रैली का आयोजन करना है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या स्टेप उठाएंगे? जैसे अगले साल विधानसभा चुनाव है तो क्या हम निश्चित उसका भूख हड़ताल करेंगे? उनका जो अभी करंट में पार्टी है जिसने हमारा रोक रखा है, हम उसका बिल्कुल पूर्व विरोध करेंगे हर तरह से। कितने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की मांग करेगी, उसको वोटिंग करेंगे। कितने सदस्य आप लोग आंदोलन में कल ग्वालियर जा रहे हैं? यहाँ से शिवपुरी से लगभग 25-30 की संख्या में होंगे, इसी तरह से 25-30 हमारे शिवपुर से।